यहाँ से ऊपर जाकर देखते क्या पता म्यूजिक क्लास में मिल जाए। नीचे मत गिरो, नीचे मत गिरो, नीचे मत गिरो। प्रिंसिपल साहब भागो 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 भागो। भाई मैं तो खुद भी मर गया। एक सेकंड रुका, अगर मैं इसको यहाँ ऊपर से छलांग मरवाऊंगा तो क्या ये जिंदा रहेगा या फिर मर जाएगा? बचाओ प्रिंसिपल साहब, चड्डी में मारने आ रहे हैं बंदा मेरे को। वेलकम 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 एवरीवन। स्कूल टाइम हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम, एक ऐसा टाइम हमारी जिंदगी का जब हम लोगों के दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है। हम लोग स्कूल जाते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मस्ती करते हैं एंड देन घर वापस आने के बाद फिर से मस्ती करते हैं। एंड तुम में से जो बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है वो अभी मुझे कमेंट करके बोलने वाले हैं, इस बात पर तू पागल है क्या, स्कूल में मस्ती कौन मारता है, हम लोगों को कितना ज्यादा होमवर्क मिलता है पता भी है तुझे, चुप कर, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ब्रो आई नो दैट, वो चीज मुझे पता है, बट जब तुम लोगों को स्कूल से निकले हुए 4-5 साल हो जाएंगे उसके बाद तुम लोगों को मेरी ये वाली बात एकदम परफेक्ट सही लगने वाली है। देखो मैं स्कूल टाइम में एक ऐसा शरीफ बच्चा था, एकदम ऐसा पढ़ाकू टाइप इंटेलिजेंट बच्चा, लेकिन बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में एकदम बकवास, ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, ना ही स्टेज प्रोग्राम से पार्टिसिपेशन। एंड कभी गलती से अगर मैंने कभी किया भी होगा पार्टिसिपेट तो भाई वो तभी क्या होगा जब टीचर मुझे ऐसे यूं खींच के घसीटे मार के लेके जा रहे कि भाई पार्टिसिपेट कर लो, और वहां भी सबसे लास्ट में खड़ा होना। काश मैं अपने स्कूल टाइम पे एक शरीफ बच्चे की जगह एक बैड गाय होता, बट अब क्या कर सकते हैं, इस चीज को मैं कभी चेंज तो कर नहीं सकता हूँ, या फिर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज आज हम लोग खेलने वाले हैं बैड गाइज एट स्कूल। तो तुम लोगों ने वो कुछ बहुत ही शैतान बच्चे जरूर देखे होंगे जो जब टीचर आगे पढ़ा रहा होता है पीछे बैठ के अपने आगे वाले दोस्तों को यूं पट्ट मार के टपलियां मार रहे थे उनके सर पे। आज हम लोग वही बच्चे बनने वाले, पर ये तो एक बहुत ही छोटे लेवल की शैतानी है गाइस। आज हम लोग इस गेम के अंदर ऐसे ऐसे लेवल की शैतानी करने वाले हैं कि तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा, और मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वांट टू बी अ बैड गाय एट स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट, सिंगल प्लेयर ऑन करते हैं एंड आई गेस हम लोगों को इस गेम के अंदर अपनी एक बैड गैंग बनानी होती है। एंड ऑफ कोर्स शाउट आउट टू टेक्नो गेमर्स, मैंने उसको देखा ये गेम खेलते हैं एंड आई वाज लाइक कि भाई मुझे भी गेम खेलनी है, इवन दो कि भाई उसको मेरे शाउट आउट की कोई जरूरत नहीं है वो अलग बात है, बट तब भी भाई देना पड़ता है यार। इट्स बैक टू स्कूल, टाइम टू बिल्ड अ नेम अमंग स्टूडेंट्स। ओके हमारा जो फर्स्ट गोल है वो है कि भाई अपना नाम बनाना हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल में। तो बैड गाइज विल हेल्प यू बाय गिविंग यू 5 मिशंस पर डे। सो अगर जो अभी हमको यहाँ पर बंदे दिखाई है हमारे वो बैड गाइज है, और ये लोग यहाँ पर एक गैंग चलाते हैं स्कूल के अंदर, हमें इसकी गैंग को ज्वाइन करना है एंड देन ये हमको कुछ मिशंस देंगे। लेट्स सी कि कैसा चलता है। ऑलराइट, डे 1 एट स्कूल, मिशन 1 है मेरा टैग 5 वॉल्स ऑफ द स्कूल। ओके तो मेरे को यहाँ पर अभी ना अपने स्कूल की 5 वॉल्स को यहाँ पर गंदा करना है। ओके ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम है लिटरली, अगर ये चीज हम लोग अपने स्कूल में करेंगे तो भाई साहब देयर इज नो वे कि हम लोगों को स्कूल से रेस्केट ना करा जाए। ऑलराइट तो स्प्रे हमारा गाइस यहाँ पे ना म्यूजिक क्लासरूम के अंदर रखा है, सबसे पहले म्यूजिक क्लासरूम ढूंढना पड़ेगा। एंड आई गेस यहाँ पर हमारी ऑलरेडी क्लास चली हुई है, वी आर द बैड गाइस। तो मैं अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं टीचर को डायरेक्ट पहलना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जी टीचर साहब बड़ा मारते हो आप मेरे को। ओ माई गॉड, मिशन फेल्ड, यू गॉट कॉट ड्यूरिंग योर मिशन। ओके हम लोग ऐसे ही फालतू में टीचरों के ऊपर हमले नहीं कर सकते भाई, मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना मेरी तरफ से। ओके यही वाला वो टीचर था, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, आइंदा से आप पे हमला नहीं करूंगा यार मैं। ओके लेट्स डू वन थिंग, यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। म्यूजिक 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 म्यूजिक, सर जी म्यूजिक क्लासरूम कौन सा है आपका? ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफिस है। म्यूजिक क्लासरूम, म्यूजिक क्लासरूम, अरे मैं तो छत के ऊपर आ गया हूँ भाई, मुझे अभी तक म्यूजिक क्लासरूम नहीं मिला। यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाकर देखते हैं क्या पता म्यूजिक क्लासरूम मिल जाए। नीचे मत गिरो, नीचे मत गिरो, नीचे मत गिरो, नीचे मत गिरो भाई अभी, और इसी वक्त मर जाएगा बच्चे। भाई तू डेयर डेविल नहीं है समझा। ये एक सेकंड रुका, अगर मैं इसको यहाँ ऊपर से छलांग मरवाऊंगा तो क्या ये जिंदा रहेगा या फिर मर जाएगा? ये जिंदा है। अभी टीचर देखो कितने बड़े बेवकूफ है, इनकी आंखों के सामने एक बच्चा ऊपर से कूद रहा है भाई, लेकिन कोई परवाह नहीं है इनको, है मरता है तो मरने दो भाई। और यहाँ पर मुझे मिल चुका है गाइस म्यूजिक क्लासरूम, लेट्स गो। और यहाँ पर देखो पेंट रखे हुए हैं, उठाते हैं भाई फटाफट पेंट। एक पेंट आ चुका है, यहाँ से हम लोग दूसरा पेंट भी उठा देंगे, और अब हम लोगों को यहाँ पर पेंट करना है हमारे स्कूल की वॉल्स के ऊपर। पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों को टीचर्स पकड़े ना, अदरवाइज हम लोगों को भाई साहब डिटेंशन मिल जाएगा, या तो फिर हमारी पिटाई होने वाली ढंग से ही, या तो फिर हम लोगों के पेरेंट्स को बुला देंगे यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है मैं इसके यहाँ पर हाथ उठाने वाला हूँ स्प्रे कैन को, लेट्स गो। कहाँ पर पेंट करना है भाई? बैकयार्ड होकर चलते हैं भाई, हमारा स्कूल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे देखो ये भी ट्रॉले टूले ला के रखे हुए भाई साहब यहाँ पे। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों के स्कूल भी इतने बड़े थे क्या। एंड यहाँ पर मुझे ना पॉइंट आउट करे, और ये तो वही 3 बच्चे हैं, मेरे को लग रहा है भाई ये हमारा वो लीडर होने वाला है। लेट्स गो टू आवर लीडर, इसे इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ। मिशन 1 टैग 5 वॉल्स ऑफ द स्कूल, स्प्रे इज इन द म्यूजिक क्लासरूम। भाई चक दिया मैंने ब्रो, चक दिया है मैंने वो। और गाइस तो मिशन हम लोग ये वाला पार कर देंगे, तब तक इस वीडियो का लाइक एम रख देते हैं जो कि पूरे के पूरे 2 लाख लाइक का भाई कंप्लीट कर दो गाइस। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड लेट्स गेट बैक टू आवर ट्रेनिंग। ओके पहली दीवार वहां पर यहाँ पर मुंह के सामने टीचर घूम रहा है, पर ध्यान देना पड़ेगा कि टीचर के सामने मैं यहाँ पर पेंट ना करूं, बिकॉज अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो ये टीचर मेरे यहाँ पर घसे बजाने वाला है या तो मेरे माँ बाप को फोन कर देगा। हर जगह पर स्प्रे मार यहाँ पे तू। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं एक एक्स का ऐसा लंबा चौड़ा सा एक ऐसा मार्क मार देता हूँ यूं करके नीचे के लिए। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ यहाँ पर एक डिजाइन बना देते हैं, यहाँ तो सेंटर होकर जाएगा डिजाइन ऐसा करते हुए, एंड दैट्स इट। भाग जा भाग जा भाग जा, अपने हाथ से सबसे पहले स्प्रे कैन को हटा दे भाई, पता नहीं चलना चाहिए कि किसने किया हुआ। ये पहली दीवार हमारी यहाँ पर गंदी हो चुकी है और किसी ने देखा भी नहीं है। वाह बेटे वाह। लेट्स गो, दूसरी दीवार हमारी उस साइड के लिए आ रही है। देखो दूसरी वाली हमारी यहाँ पर है, यहाँ से निकालेंगे अपने स्प्रे कैन को एंड यहाँ पर मैं फिर से एग्जैक्ट वही करने वाला हूँ यूं, और यहाँ से आएगा नीचे के लिए। लेट्स गो। और अपने हाथ को मैं एकदम खाली रखने वाला हूँ। ओके ओके भाई, ये देखो यहाँ पे टीचर भी उसी वक्त आने वाला था, यहाँ पे पहुंच गया मैं। हेलो सर सर सर, यहाँ देखो सर, वहाँ देखो, हेलो सर वहाँ देखो। भाई इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, हमारा तो फायदा ही हो गया ना। काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है गाइस स्कूल के अंदर ऐसी मस्तियां करते हुए। अभी देखो यहाँ पर जो ये वाली बिल्डिंग है ना हमारी, यहाँ पर ही मुझे पेंट करना है, लेकिन पीछे से कोई टीचर आ गए। देखो नीचे टीचर्स घूम रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। फटाफट मैं एक मार देता हूँ एंड यहाँ से मैं दूसरा मार देता हूँ उसको। और अरे परे देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई टीचर नहीं है यहाँ पर। फटाफट कर भाई, कम स्मार्टी पाए कम स्मार्टी पाए। अगर टीचर ने देख लिया ना किसी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से ऐसा हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, एंड यहाँ से अपने हाथ को खाली कर देंगे। मैंने नहीं किया ये सर, मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। आहाहाहा, अपने स्कूल को गंदा करने की जो फीलिंग आ रही है भाई साहब मेरे को, ये नेक्स्ट लेवल है सच्ची में। बट वो अलग बात है कि जिंदगी में मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया गाइस। मैंने अपने स्कूल को गंदा करना या तो फिर अपने स्कूल के किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाना, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग वैसा मत करना यार प्लीज। तुम लोग अपने स्कूल के बुरे बच्चे मत बनना यार, बिकॉज अगर ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए ना तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। ये बच्चे गाइस हमारी आखिरी वॉल, और इसके ऊपर फटाफट यहाँ पर पेंट करने वाले। इससे पहले कोई और मुझे देख ले, कमॉन कमॉन कमॉन, कोई ऐसा रैंडम सा डिजाइन बना दे, कोई चक्कर ही नहीं है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड, नाइस। अपने हाथ को खाली कर ले भाई फटाफट। लेट्स गो गो सी द बैड गाइस फॉर द नेक्स्ट मिशन। ये लोग मेरे गैंग लीडर्स है जो कि मुझे तैयार कर रहे हैं स्कूल में बुरा बच्चा बनने के लिए। हेलो टीचर, हाउ आर यू? सॉरी 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 सर। ओ भाई मैं डरे भाग के आ रहा था। मैं तुम लोगों ने गाइस एक सीन बताना चाहता हूँ। ये एग्जैक्ट सेम चीज जो भी यहाँ पर हुई है ना, यही सेम चीज मेरे साथ हुई थी मेरे कॉलेज में। सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। सपोज करो कि ये वाला बंदा मेरा दोस्त है और मैं और मेरा दोस्त ऐसे चले हुए थे, ठीक है, यूं चले हुए यूं चले हुए यूं चले हुए, और हम लोग ऊपर से सीढ़ी से नीचे को जा रहे थे और नीचे से हमारे एक टीचर आ रहे थे, और मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे करके धक्का मार दिया टीचर के ऊपर। एंड टीचर वॉज लाइक ऐसे करके एकदम मारने वाले पोस्ट पर आ गया बंदा, यूं करके भाई अभी मेरे को पेल देगा, और हम लोग अपना मुंह छुपा भाग गए। वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था यार सीरियसली। यूज द फायर एक्सटिंग्विशर ऑन 5 स्टूडेंट्स। फायर एक्सटिंग्विशर तो मेरे पे यहाँ पड़ा है ब्रो इन्वेंटरी पे। सबसे पहले मैंने इसी को उठाया था एंड ओ माय गॉड, वहां पर टीचर 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अपने हाथ को खाली रख। अगर टीचर ने देख लिया मेरे हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर था एंड किसी स्टूडेंट ने इसके पास बाद में चल के यहाँ पे कंप्लेंट कंप्लेंट कर दी ना, तो मेरे को तो भाई जूते पड़ने वाले हैं स्टूडेंट्स के बच्चों से, क्योंकि अभी मैं इनके मुंह के ऊपर यहाँ पर मारने वाला हूँ फायर स्प्रे को। पहले मारूंगा मैं इसके ऊपर, लो भाई मारे मजे मारो। और तू यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है भाई, चिल कर रहा है, अच्छा धूप का आनंद ले रहा है। बेटा तेरे सामने बैड गाय खड़ा हुआ है और तू यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, ये क्या मजाक है भाई, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ओके आई गेस मुझे यहाँ पर चलते चलते बच्चों के ऊपर करना पड़ेगा। लेट्स गो। अच्छा वो चौथा बच्चा था, ये पांचवा बच्चा था हमारा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अबे मैंने टीचर के सामने किया, मैंने टीचर के सामने किया, मुझे लग ही रहा था, देखो मुझे पकड़ लिया इस टीचर ने। नहीं 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 सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये टीचर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। Oh my God, ये बहुत फनी था यार। अरे नहीं 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 टीचर सॉरी टीचर सॉरी, इसने मुझे गर्दन से पकड़ा हुआ है यार, ये क्या अजीब है। Avoid getting caught by adults. Okay, मैं समझ गया मैं समझ गया। हमें मतलब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि टीचर हमें पकड़े ना। भाई साहब इस टीचर मुझे गर्दन से पकड़ा हुआ था यार, ये तो गलत बात है यार। आजकल के स्कूल्स में तो लाइक मना है यार बच्चों को मारना ऐसे। ये टीचर ने मुझे ऐसे कैसे पेल दिया यार, ये तो गलत बात है यार, मैं केस करूंगा इसके खिलाफ। थ्रो पेपर एयरप्लेन इनटू द गर्ल्स डॉर्मेटरी। गर्ल्स की डॉर्मेटरी में मेरे को पेपर की प्लेन्स फेंकना। मुझे ये नहीं पता कि भाई साहब डॉर्मेटरी क्या होती है, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आई गेस ये गर्ल्स के रूम की बात हो रही है, लाइक जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स जा सकती है। एंड यहाँ पर हमें मिलने वाले पेपर्स, नाइस। अभी मैं अच्छा, मुझे अलग अलग क्लासरूम्स के अंदर जाकर यहाँ पर अभी पेपर चोरी करने, फटाफट भागो क्योंकि क्लासरूम्स के अंदर यहाँ पे टीचर्स आ सकते हैं एकदम से। एंड हम लोग पेपर, अबे बैठना नहीं है भाई मेरे, क्या कर रहा है अबे भाई भाई भाई, ये क्या अजीब इंसान है यार। ये वो देखो गाइस यहाँ पे, ये हमारा गर्ल्स का डॉर्म रूम है। समझ गया मैं, गर्ल्स डॉर्मेटरी का मतलब होता है गर्ल्स का हॉस्टल, बेसिकली जहाँ पर गर्ल्स ही गर्ल्स रहती है। बॉयज अलाउड नहीं होते ना वहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखो नीचे पेपर का एयरप्लेन है ना, तो इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ लिख भी सकता हूँ शायद से ई दबा के। यस मैं यहाँ पे लिखूंगा यू आर आर, ढंग से ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, मेरी इंक फटाफट यहाँ पर खत्म हो रही है। प्रीटी, अब आई गेस पी आर ई, प्रीटी की स्पेलिंग क्या होती है टी टी वाई, हे यू आर प्रीटी। डन करते हैं इसको और यहाँ से मैं इसको उड़ा के फेंकने वाला हूँ इन गर्ल्स के हॉस्टल रूम के अंदर। और मैं इसको और गया ऊपर 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 इधर के लिए चल, और यहाँ से हम लोग इसको लैंड करवा दिया। नाइस, अब वो लड़की इसको पढ़ेगी एंड आई गेस वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। यार अगर ऐसे करके लड़की इंप्रेस होती तो आज हर लड़के के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती क्या? ऐसे सिंगल घूम रहे होते बंदे, कमाल है भाई। स्मैश अप द प्रिंसिपल्स कार विद अ बेसबॉल बैट। ब्रो ये बंदा मतलब भाई तू तो जेल करवाएगा यार ऐसा मतलब एक तो कार तोड़ना यहाँ पे इलीगल होता है, फिर ऊपर से प्रिंसिपल की कार तोड़नी पड़ेगी। भाई तू तो मतलब मरवाएगा मेरे को ब्रो, ऐसा मत कर यार। मैं बैड गाय बनना चाहता हूँ स्कूल का, लेकिन भाई मैं गुंडा मवाली नहीं बनना चाहता हूँ यार। आई गेस यहाँ से अंदर होके जाना पड़ेगा स्कूल के, एंड यहाँ पर कहीं पर, अच्छा मैं समझ गया ब्रो, मुझे कोर्ट वाले रूम के अंदर जाना पड़ेगा। यस यहाँ पर कहीं पर बेसबॉल बैट रखे होंगे, देखो यहाँ पर बेसबॉल बैट है, उठाते हैं जरा फटाफट बेसबॉल बैट को और अब चलते हैं प्रिंसिपल साहब की कार को तोड़ने के लिए। लेट्स गो। भाई मैं इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ ना अभी। गाइस प्लीज यार अगर तुम लोग स्कूल में हो भाई मत तोड़ना तुम लोगों ने ऐसा, ठीक है? कभी मत करना, बिकॉज ऐसे करके तुम लोग बैड गाय नहीं बनोगे, ऐसे करके तुम लोग क्रिमिनल गाय जरूर बन जाओगे। यहाँ से निकाला जाएगा बैट हमारा एंड हमारे प्रिंसिपल, ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये तो वो जैन गाड़ी है ना, इंडिया वाली। हमारा प्रिंसिपल इतनी सड़ियल गाड़ी चलाता है, नहीं आई मीन इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल है यार, एटलीस्ट अपने पास लाइक स्कॉर्पियो तो रखता है यार, ये कौन सी गाड़ी रखी हुई है? खैर छोड़ो, हमने क्या करना भाई, हमने तो सिर्फ इसकी गाड़ी को तोड़ना ही है ना। लैप पेल लेंगे इसका, ऐसी की तैसी। प्रिंसिपल साहब भागो 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 भागो, भाई मैं तो खुद भी मर गया। बच गया। और हमारे प्रिंसिपल साहब की गाड़ी यहाँ पर गायब हो चुकी है। अब तुम लोग इमेजिन करो, प्रिंसिपल साहब बेचारे शाम को 4 बजे थक हार के अपने स्कूल से घर जाने के लिए यहाँ पर आएंगे और वो देखेंगे कि भाई है मेरी गड्डी की तरह भाई, देखा तुमने ना भाई साहब किसी ने सच्ची में आ रहा है। सॉरी यार टीचर भी भाई साहब अजीब ही है, एक ठोड़ पड़ता है इनको भाई साहब और एक जगह से दूसरी जगह हिल के पहुंच जाते हैं। ओके अभी गाइस मेरे को ना पूरी फीलिंग आ रही है वो बैड गाय वाली। ये लड़की के सामने चल साइड हो जा, अभी पूरी फीलिंग आ रही है, ये बंदा मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगला बता मिशन नंबर 5, स्टार्ट एंड विन अ फाइट इन अ कैफेटेरिया। ओके अब मुझे पंगा करना पड़ेगा कैफेटेरिया में जाके। ब्रो ये बंदा मुझे बैठ गया नहीं, ये बंदा मुझे लिटरली गुंडा बना के छोड़ेगा। अब कैफेटेरिया किधर है, लेट्स सी, कहीं ना कहीं मुझे एरो जरूर दिख रहा होगा। और आई गेस मैंने कैफेटेरिया देखा था, नहीं मतलब मेरे को कैफेटेरिया के अंदर ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मार सकता क्या मैं किसी को? ले तेरी ऐसी की तैसी। और यहाँ से अरे मैंने उसको मार ही दिया, बंदा गायब हो गया। और ये रहा हमारा प्रिंसिपल साहब का ऑफिस। प्रिंसिपल सर आई एम सॉरी, मैंने आपकी गड्डी को ना गलती से फोड़ दिया। अबे प्रिंसिपल के सामने उसकी चेयर पे कैसे बैठ सकता है, ये टेबल पे कैसे उछल रहा है यार, मतलब तेरे को रेस्टिगेट ही हो रहा है स्कूल से यार। थैंक गॉड कि हमारा प्रिंसिपल घूमा हुआ था पीछे के लिए। ओ माई गॉड, वाओ आर यू सीरियस? इस स्कूल के अंदर यहाँ पर हमारा एक स्विमिंग पूल भी है, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। अबे हटो यहाँ से, बैठ गए हूं मैं। अबे तीन बंदे मिलके मारे, भागो भागो भागो। और देखो मेरी हेल्थ कितनी ज्यादा जा चुकी है। आजा तेरी ऐसी की तैसी, आजा तेरी ऐसी की तैसी बेटे। ओके मैं मरने वाला हूँ। ये मुझसे भी ज्यादा बड़े गैंगस्टर है, भागो 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 भागो। मेरा बंदा देखो भाई कैसे बैग के साथ स्विमिंग कर, जल्दी भाग। भाई बुरे तरीके से फेल दिया उस बंदे ने। अबे चड्डी में बाहर आ रहा है मारने मेरे को ये बंदा, बचाओ प्रिंसिपल साहब, चड्डी में मारने आ रहा है बंदा मेरे को। अबे तेरी चड्डी धोई हुई है कि नहीं है तेरी मम्मी ने, मुझे क्या पता यार, टच ना करिए मेरे को चड्डी में पहन के। ओके मैं अभी यहाँ से छलांग मारने वाला, जल्दी। और बच गया, आई गेस बच गया ये बंदा। अब वहां से आएगा तब तक ले मैं भाग जाऊंगा। ओके मैंने गलत जगह पर फाइट स्टार्ट करी एंड मैं ऑलमोस्ट बच गया, ठोक दिया था इस बंदे ने मेरे को। ओके तो फाइनली काफी सारा मन्नतों के बाद मुझे फाइनली पता चल चुका है कि भाई हमारा कैफेटेरिया ये है यार। मैं इसी के आसपास घूम रहा हूँ कब से लेकर, और मैं सोचा कि भाई ये क्लासरूम है यहाँ से अंदर। और ये कौन है, हमारे शेफ साहब है। ओके अब यहाँ पर मुझे किसी बंदे के साथ फाइट स्टार्ट करनी है। ओ माय गॉड ये तो सारे गैंग वाले बंदे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे बंदे अपनी ही गैंग चला रहे हैं यहाँ पे। मैं शेफ के साथ लड़ सकता हूँ क्या? नहीं, शेफ के साथ तो नहीं, किसी बच्चे के साथ मुझे फाइट स्टार्ट करनी है। और मैं पता क्या करने वाला गाइस, मैं करने वाला बेसबॉल के डंडे के साथ फाइट स्टार्ट। और मुझे लग रहा था ये तो शरीफ बच्चा है। ओ माय गॉड ये वाला बंदा मुझे खतरनाक लग रहा है। ये तेरी ऐसी की तैसी, उठ जा खड़ा, उठ बेटे खड़ा, मार मेरे को, कम ऑन जा प्रिंसिपल के पास, हैं जा प्रिंसिपल को और मेरी चुगली करके आ, चल निकल यहाँ से बेटे। फेल दिया इसको मैंने भाई पूरे तरीके से। ओके एंड ऑफ डे वन स्टार्ट अ न्यू डे। अब अगला दिन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग 5 मिशन कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ये वाला मिशन बहुत अच्छा था, इसमें मुझे बच्चे को पेल के मजा आ गया भाई। और इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को बोलूंगा भाई, मेरी आज तक कभी स्कूल से फाइट नहीं हुई यार किसी के साथ, कभी भी नहीं हुई है। मैंने तुम लोग को बताया मैं एकदम ऐसा चंपू ऐसा बच्चा था स्कूल में यार। काफी रिग्रेट होता है, मुझे बहुत ज्यादा एक्चुअली एक्टिव होना चाहिए था यू नो एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, बट मैं नहीं था। बट कोई बात नहीं। मिशन नंबर 1 ब्लो अप अ फायर क्रैकर एट अ प्रिंसिपल। आर यू सीरियस भाई, तूने मतलब मेरे को मतलब खत्म ही करवाना है क्या स्कूल से? हैं और कोई काम नहीं तेरे पास? कुछ इजी सी मिशन दे दे यार। प्रिंसिपल के मुंह पे फायर क्रैकर फोड़ना है, मतलब पटाखा फोड़ना है मेरे को यार, मतलब प्रिंसिपल के मुंह पे यार। ये तो मतलब गलत बात होगी। देखो प्रिंसिपल साहब मुझे वहां दिख रहा है येलो कलर के, लेकिन अब मैं यहाँ पर फायर क्रैकर कहाँ से निकालू? एंड आई गेस फायर क्रैकर मुझे स्कूल्स के अंदर तो नहीं मिलने वाले है। मुझे अब यहाँ पर एक और सब मिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ रहे हो तुम लोग, मिशन का एक सब पार्ट जो कि यहाँ से स्कूल से बाहर जाने का, एक गाड़ी को चोरी करके। वाह भाई वाह, मतलब दुनिया भर के सारे इलीगल काम यही करा दो इस गेम में। एंड अगर मुझे फायर क्रैकर्स खरीदने है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बच्चों को पेलना पड़ेगा पैसों के लिए। ओके आजा भाई, ले मर जा, खड़ा 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 खड़ा, शाबाश। अबे कहाँ जा रहा है उड़ के? एक पटाखे में ये बंदा उड़ के इतना दूर भाई। बोले तो जो मछली बिन पानी जिस तड़पती है वो वैसे तड़प रहा है। ओके $30 मेरे पास हो चुके हैं। अब एक और बंदे को पेलते हैं एंड $10-20 और चकते हैं और फिर बाहर जाके फायर क्रैकर्स खरीदते हैं। भाई साहब सुनो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको मैं एक पटाखा मारूंगा ऐसे करके, और बस इसके अलावा एक और पटाखा ऐसे। ओ भाई साहब, ऐसे बाउंस कर रहा है जैसे कि भाई, ओ ना 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 ना, टीचर ने मेरे को देख लिया। ओके मैं जा रहा हूँ टीचर, जा रहा हूँ। अगर इस टीचर ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे जेब से $30 भी चले जाएंगे। कुछ भी हो जाए मेरे को बस इसके हाथ में नहीं फंसना है बंदे के पीछे अभी तक ये मेरे। अरे नहीं नहीं नहीं, दोनों के दोनों मिलके मार रहे मेरे को। भागो 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 भाई, टीचरों की गैंग एक स्टूडेंट के पीछे पड़ी हुई है। सॉरी टीचर, मैं पीछे मुड़कर इनको देख भी नहीं सकता हूँ, और मेरे पीछे से हट चुके हैं। नाइस, चलो बढ़िया है। और यहाँ से मैं गड्डी चोरी करने वाला हूँ। चल बेटे चल बेटे चल। एंड यहाँ पर हमारी एक दुकान है जोक्स नाम से, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अंदर गाइस एक बारी। और यहाँ से मुझे खरीदना है फायर क्रैकर। यहाँ देखो फायर क्रैकर से भरू बहुत सारे। आंटी जी, आई मीन सॉरी अंकल जी, प्लीज हमें फायर क्रैकर दे दीजिए। ये है ना फायर क्रैकर, और मैं यहाँ पर एक, इनफैक्ट मैं इससे 2 लेके रखने वाला हूँ। डन करते हैं इसको, और यहाँ से चलते हैं अपने प्रिंसिपल के ऊपर फायर क्रैकर छोड़ने के लिए। एंड गाइस अभी तक मुझे जितने भी यहाँ पर मिशन मिले हैं ना, ये वाला मिशन सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज प्रिंसिपल के मुंह के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर एक फायर क्रैकर छोड़ना है अभी। तुम लोग मुझे बताओ, सुनकर ही डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब सोचो मेरे क्या हालत हो रही होगी अभी। एंड आई गेस प्रिंसिपल साहब का ऑफिस यहाँ से ऊपर था, एंड यस हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ से अंदर होंगे। देखो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, एंड हम लोग जाएंगे चुपचाप से अंदर के लिए। और वो कोने की साइड देख रहा है, वो मुझे नहीं देख रहा है अभी। और यहाँ से मैं इसको भी उठाने वाला हूँ एंड एम करेंगे इनके पीछे। देख लिया इसने मुझे क्या? भाई प्रिंसिपल, सॉरी 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 सॉरी, पकड़ लिया इस तरह को यार। ओके मुझे ना उसको पीछे से मारना था प्रिंसिपल साहब को, नहीं मेरी किस्मत खराब है, एकदम से वहां पे बेल बज गई एंड वो पीछे के लिए घूम गया। अदरवाइज तो भाई साहब मैंने बैंड बजा दी थी प्रिंसिपल साहब की। इस बार नहीं भाई, इस बार मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला इस मिशन को पार करने के लिए। ज्यादा गर्मा गर्मी में नहीं करना। देखो अभी प्रिंसिपल साहब, देखो उसी टाइम पे यहाँ पर ये हो जाती है, बेल बज जाती है, एंड यहाँ से ही मैं इसको निकाल के रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड अभी नहीं चलाऊंगा। और ये वहां पर जाएगा कोने में, और फिर पीछे से करेंगे, और उसको नहीं पता। भाग। और जैसे मैं इसको किक मारता हूँ ना गाइस यहाँ पे ना, तो मेरी हेल्थ रिफिल हो जाती है। प्रिंसिपल को नहीं पता। ब्लो अप फायर क्रैकर एट द प्रिंसिपल। कर तो दिया मैंने मिशन फेल। कैसे? मैंने अभी भी फायर क्रैकर मारा तो था यार प्रिंसिपल को यार। ये तो गलत बात है यार, ये तो पता कुछ भी बोल रहे हो यार। ओके आई नो कि मैंने क्या गलती करी है। ओके मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ गाइस। मुझे अगर फिर से बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने फायर क्रैकर की जगह फायर रॉकेट छोड़ा है प्रिंसिपल के ऊपर, एंड दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू। ऑलराइट गाइस, इस बार मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ अपने पास फायर क्रैकर। ओके हाथ में उठा के रख। पीछे टीचर्स है, देखो ये हमारी एक टीचर आंटी घूम रही है यहाँ पे, ध्यान देना पड़ेगा। हमारा प्रिंसिपल वहां पर है, एंड चुपचाप से इसको उठाकर यहाँ से अंदर के लिए एम किया। फटा नहीं क्या हमारा प्रिंसिपल? ओके बाकी के बंदों का गुस्सा आ गया और मैं पकड़ा गया। नहीं मुझे पकड़ा नहीं जाना है, बार बार मेरा मिशन तभी फेल हो रहा है। अरे कैसा गुंडा बनेगा रे तू, अपने को पकड़ा नहीं जाना है भाई। ऑलराइट इस बार मैं जरूर करने वाला हूँ। वेयर इज आवर प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब वहां पर है हमारा प्रिंसिपल। ओके अब यहाँ से मैं इसके ऊपर फेंकने वाला हूँ। यस हो गया। अब ये मेरे को पकड़ने के लिए आएगा यहाँ पे, और उससे पहले नहीं, पकड़े नहीं जाना, प्लीज 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 प्लीज, पकड़े नहीं जाना। भागो 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 प्रिंसिपल साहब कहाँ भाई, जिंदा तो है ना? हेलो सर, सर आप जिंदा हो? नहीं नहीं नहीं, पकड़ लिया मेरे को। अरे मैं क्यों आया वापस यार। यू हैव बीन पनिश्ड, अवॉइड गेटिंग कॉट बाय एडल्ट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ध्यान दूंगा इस बारी, मैं इस बारी ध्यान दूंगा। वापस चलते अपने बैड गाइस के पास। गाइस भाई लेकिन कितना अच्छा है ना, इस स्कूल के अंदर आप प्रिंसिपल के ऊपर लिटरली एक पटाखा फेंक रहे हो और आपको वो कान से पकड़ के बस एक कमरे में डाल रहा है एंड बस हो गया। वाह बेटे वाह, काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता। टेक अ गर्नी इनटू द लेक। क्या टेक अ गर्नी इनटू द लेक? आई हैव नो आइडिया इसका मतलब क्या होता है। ओके गाइस, मैंने अभी गूगल पे पता किया इसका मतलब क्या होता है। गर्नी का इसका मतलब होता है गाइस, जो पेशेंट्स को उठाने के लिए वो व्हील चेयर टाइप नहीं होती जो हॉस्पिटल्स में लगती है, उसको बोला जाता है गर्नी। एंड अभी अभी मैंने देखा था ना वो, यहाँ पर कहीं पर एक हमारा एक वो था, एक वैसा हॉस्पिटल टाइप वाला सिस्टम था ना, वो कहाँ पर है? एंड आई गेस यहाँ पर है वो। यस यहाँ पर है। और देखो ये है गाइस गर्नी हमारी, इसे इंटरेक्ट करेंगे और इसको लेकर जाएंगे। ओ माय गॉड, इसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है कोई बंदा। भाई कितनी ज्यादा मस्ती कराएगी बंदे मुझसे, अभी को समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको लेके चलते हैं और इसको हमें लेक के अंदर डालना। मतलब इसके अंदर एक बंदा लेटा हुआ है भाई जिसको बहुत सारा चोट लगी हुआ है। इसको चोट भी हम लोगों ने पहुंचाई थी एंड इसको हम लोगों को उठा के लेके जाना है और सीधा तालाब के अंदर फेंकना है। ब्रू ये तो भाई बैड गाइज नहीं है, ये लिटरली क्रिमिनल्स है यार। दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी। क्या करवा रहे हैं मुझसे ये बंदे। अब मुझे यहाँ पर कहीं पर एक लेक ढूंढनी पड़ेगी। क्या हमारे स्कूल के अंदर लेक हो सकते है? मुझे नहीं लगता कि स्कूल के अंदर लेक होगी यार। यहाँ से बाहर चलते हैं जरा एक बारी। तुम लोग यहाँ पे क्या खेल रहे हो? फुटबॉल खेल रहे हो? अब ये लोग भी सोचोगे भाई ये क्या कर रहा है यार, एक पेशेंट को ऐसे घुमा के ले रहा है। तुम लोग टेंशन मत लो। ओ माय गॉड, वो बंदा उड़ के यहाँ से बाहर जा चुका है। रुको जरा, जब ये गलत काम कर ही रहे एक और गलत काम करते हैं। इसको ही मारेंगे पट से हेडशॉट, और इस वाले को मारूंगा। उड़ के कितना दूर जाएगा, पटाखा पड़ा। यस ओ माय गॉड, सारे के सारे बंदे ठोक दिए मैंने यार। बट अभी ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज ये लोग अब मेरे को यहाँ पर मारने के लिए जरूर आएंगे। भागो 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 भागो, आ गया मैंने क्या बोला था। भागो 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 भाई, 2 सेकंड रुक जाओ प्लीज यार। अरे सर जी आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर सॉरी, अरे सॉरी 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 भाई, टीचर को उड़ा दिया मैंने यार, गलती हो गई। लेक कहाँ पर है? लेक कहाँ पर है? ओके सामने है, वहां पर समुद्र है, उसी की बात हो रही है। और मेरे पीछे वो बंदा, अरे अभी तक मेरे पीछे चड्डी वाला पड़ा। रुक जा, तेरी पकौड़े ऐसे की तरह निकले यहाँ से, मेरे को मारने चला हुआ है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक रॉकेट है। आर यू सीरियस? यहाँ पर रॉकेट क्या कर रहा है? मैं तो रॉकेट में बैठा कर तेरे को मार्स में लेके जा सकते क्या? यूज अ लाइटर टू लॉन्च रॉकेट। नहीं 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 भाई, अगली वीडियो में गाइस, अगली वीडियो में रॉकेट लॉन्च करेंगे हम लोग। देख मेरे भाई, मुझे माफ करियो यार, मैं तेरे से ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, बट बैड गाइस का हुक्म है यार, मुझे बैड बनना तो करना पड़ेगा। लेट्स गो। और इसको मैं ई दबाऊंगा एंड इसको मैं छोड़ दूंगा एंड हो गया हमारा। ओए वहां पे शार्क है और मुझे ये क्यों नहीं मिला? मेरा मिशन पार नहीं हुआ। आई गेस मैं इसको गलत जगह पे लेकर आ चुका हूँ। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ नीचे, इसको वापस लेके जाना पड़ेगा। भाई मरना चाहिए यार, है ना? मैं बस मस्ती कर रहा हूँ तेरे साथ। ला चल चल चल, वापस चल वापस चल। ओ माय गॉड, नीचे शार्क है, जल्दी चल भाई मेरे। और यहाँ से मैं उसको बचा के वापस आ चुका हूँ। यहाँ से एक चीज प्रूफ होती है कि मैं बैड गाय के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा गाय भी हूँ। ओ फाइनली मुझे कुछ तो यहाँ पर मिला। ये लेक है या फिर ये स्विमिंग पूल है भाई, मुझे नहीं पता। भाई मैं तो को यहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है जा बेटे अंदर, मिशन अकम्प्लिश। भाई लेकिन अभी बंदा मर नहीं जाएगा यहाँ पे, मुझे बताओ जरा यार। बैड गाय की जगह मेरे को भी गुंडा बना दिया यार इन लोगों ने। लगता है मैं कुछ वीडियो का टाइटल डालना पड़ेगा, आई वाज अ गुंडा इन स्कूल। और गाइस तो बहुत सारा मिशन हम लोगों ने पार कर दिया इस गेम के। भाई बहुत सारा मजा आया। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका एक और एपिसोड अपलोड करूँ तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं, इस पूरे के पूरे 2 लाख लाइक का मुझे पूरा तुम लोग कंप्लीट कर दोगे तो ठोको लाइक। और मैं मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।